प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, ज़िंदगी क्या है इसे हम सब समझने की बड़ी कोशिश करते हैं। आँखों से हम देखते हैं वो नज़ारे जो इस धरती पर हमें दिए गए हैं। कानों से वो आवाज़ें सुनते हैं जिनके ज़रिए औरों की हम जानकारी पाएं, और जो बाकी इंद्रियां हैं उनके ज़रिए इस जहां जिसमें हम जी रहे हैं उसकी हमें जानकारी होती है। क्या जो हम आँखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं वही सब कुछ है कि उसके आगे कुछ और भी है? संत सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा है, लिखा है, सत्संगों के ज़रिए बताया है, जब हम उनकी टीचिंग्स की ओर देखते हैं, उनके लिखे हुए शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं, तो ज़िंदगी क्या है उसकी समझ हमें आनी शुरू हो जाती है। हम सब चाहते हैं कि हमें सहारा मिले। पूरा जो सोशल सिस्टम है वो बने ही ऐसे हुआ है कि इंसान को कोई ना कोई सहारा चाहिए, उसकी ज़रूरत है। एक घर बार जिसमें माँ बाप, भाई बहन, बाल बच्चे हों, उसमें एक दूसरे का सहारा इंसान को मिलता है। जैसे इंसान बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, उसके बाल बच्चे होते हैं, एक नया परिवार शुरू हो जाता है। और जब हमें ये लगे कि कोई हमें सहारा देने वाला नहीं, तो फिर इंसान घबरा जाता है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज हमें अपनी टीचिंग्स के ज़रिए समझा गए हैं कि ज़िंदगी को किस तरीके से देखना है, कौन सा सही नज़रिया है अपने आप को देखने का, और जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसे देखने का, उसे जानने का, उसे पहचानने का, उसे समझने का। तो एक गज़ल के चंद शेर जो संदर्शन सिंह जी महाराज ने कहे हैं, जो हमें समझाते हैं कि हमारी हालत क्या है और कैसी होनी चाहिए। जब तक इंसान को ये मालूम ना हो कि उसकी हालत क्या है, वो अपने गोल की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पाता। तो पहले तो ज़रूरी है कि ये समझ में आए कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम हैं कौन, तभी कहाँ हमने जाना है उस ओर हम कदम बढ़ा पाएंगे। अगर यही सही तरीके से समझ में नहीं आया कि हम कौन हैं, क्या हमारे साथ हो रहा है, तो फिर हम किसी और कदम बढ़ाने के लायक होते नहीं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम जानें कि हमारी हालत क्या है। वो फरमा रहे हैं कि पलट के आई मनाजिर से हर नज़र तन्हा, कि पलट के आई मनाजिर से हर नज़र तन्हा, रहा जहाने तमाशा में दीदा वर्तना। वो फरमा रहे हैं कि हम देखने वाले हैं, इन आँखों से देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, कि पलट के आई मनाजिर से हर नज़र तना। इस दुनिया में जीते हुए इन आँखों से हम देखते हैं, तो आँखें क्या करती हैं? जो कुछ हमें दिख रहा है उसका इम्प्रेशन आँखों के ज़रिए रटना पर डालते, उसके ज़रिए दिमाग तक जाता है, अगर डिसाइफर होता है कि हमने देखा क्या। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाए कि जो हम देखने वाले हैं, जब हम दुनिया के नज़ारों को देखते हैं, तो बहुत सी बार
जब हम नेचर में जाते हैं हम चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कहीं और दुनिया के किसी और जगह, जैसे आजकल हर एक की कोशिश होती है मैं बाहर कंट्री किसी और कंट्री की सैर करके आऊँ, देख के आऊँ कि वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर जाते हैं सैर सपाटा करने के लिए। तो कह रहे जब वापस आते तो क्या हमारी हालत होती है कि पलट के आई मनाजर का मतलब नज़ारे जो भी हम देख रहे हैं, पलट के आई मनाजर से हर नज़र तना, कहते जो भी हम देखते हैं दुनिया में उसके बाद ये हमें अनुभव होता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं, क्योंकि जहाँ गए जो देखा फिर वापस जो कुछ भी यहाँ का देखा जो आँखों के जर देखा वो सब जड़ता का बना हुआ है। देखने वाला कौन है, इसे दृष्टा कहा जाता है, वो चेतन है, और जो दृश्य है जो हम देख रहे हैं वो अचेतन है। तो जो चेतन है वो अचेतन से अलग रहता है हर वक्त, जो कॉन्शियस है वो जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें बनी उनसे अलग रहता है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि सबसे पहले हमने समझना है कि हम इस बाहर की दुनिया के जैसे नहीं हैं, सही मायनों में हम चेतन हैं, एक आत्मा है जो बाहर के दृश्यों से अलग है। और आगे फरमा रहे हैं रहा जहाने तमाशा में दीदा वर्तन, तो कह रही है जो जहान है जिसका तमाशा है, इस दुनिया को महापुरुषों ने माया की दुनिया कहा गया। उन्होंने ये समझाया है कि यहाँ हम जो भी देख रहे हैं ये स्थाई नहीं, ये टेम्प्ररी है, ये थोड़ी देर के लिए है। जैसे स्वप्न आता है उस समय सब कुछ ठीक लगता है, जब उससे उठते हैं तो लगता है वो स्वप्न था, ऐसी ये ज़िंदगी है। जब ज़िंदगी को हम सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर ही देखेंगे जानेंगे अनुभव करेंगे तो हमें लगेगा वो असली है, लेकिन सही मायनों में वो असली है नहीं। हमें इस शरीर से ऊपर उठना होगा तभी असलियत की हमें जानकारी होगी। तो ये जानना कि ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं ये माया की दुनिया है, यहाँ पर हम सब जैसे मूवीज़ में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं उनको अलग अलग रोल दिए जाते हैं, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी है। किसी को माँ का रोल मिल गया, किसी को बाप का रोल मिल गया, किसी को बच्चे का रोल मिल गया, रोल बदलते रहते हैं। और जब एक मूवी से दूसरी मूवी जाओ तो उसी एक्टर एक्ट्रेस का रोल भी बदल जाता है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा ने जो ये शरीर ओढ़ा है उसका रोल इस ज़िंदगी में है जो उसे दिया गया है, लेकिन वो असलियत नहीं। एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, जिनकी अपनी पर्सनैलिटी वो कुछ और होती है, मूवी में वो कुछ और बन के दिखाते हैं। तो हम अगर अपनी ज़िंदगी ऐसे जीनी शुरू कर देंगे जैसे कि भारी रूप से हमें दिख रही है तो हम कभी भी असलियत की जानकारी पा नहीं सकेंगे। तो असलियत में क्या है कौन है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए संदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि इस दुनिया की और जितना भी ध्यान देंगे उससे हमें कुछ सुख चैन मिलेगा नहीं, हम अपने आप को अकेले ही पाएंगे।